आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाइक में जो मडगार्ड रहता है पीछे वाला, उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। जो पीछे वाला क्राउड रहता है, जो फाइबर पार्ट रहता है जिस पे 220 लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है, आवाज़ आती है। तो उसको कैसे फिक्स करें, उसको फिक्स करने के लिए ये रबड़ आती हैं, लगी हुई आती हैं, लेकिन बाइक यूज़ करते करते वो ख़राब हो जाती है, उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये रबड़ आपको अपने ऑथोराइज सर्विस सेंटर में मिल जाएगी। मैं ये रबड़ 10 रुपये की लेकर आया हूँ दोनों, तो इनको लगा देंगे। इनको लगाने के लिए सबसे पहले साइड पैनल ओपन कर लेंगे, सीट निकाल लेंगे, और दोनों जो रबड़ हैं एक राइट और एक लेफ्ट में लगेगी। तो इनको कैसे लगाना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले पीछे का जो फाइबर पार्ट है ये क्राउल, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए दोनों नट ओपन कर लेंगे, आगे वाले 10 नंबर पाने से, और पीछे वाले ये ओपन कर लेंगे 12 नंबर के पाने से। जैसा कि सारे नट ओपन कर लिए हैं, अब फाइबर पार्ट को मूव करके निकाल लेंगे। उसके पहले जो ब्रेक लाइट की सॉकेट कनेक्शन रहता है उसका कनेक्शन निकाल लेंगे। अब आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जो रबड़ लगने वाली है, जिस प्लेस पर रबड़ लगती है वो प्लेस आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये वो पोजीशन है जहाँ पर ये रबर रिंग लगने वाली है। हर बाइक में रबर रिंग रखती है, हर उसकी पोजीशन अलग रहती है, पीछे की क्राउल की डिज़ाइन अलग रहती है। तो आप अपनी बाइक के अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकते हैं और एबनॉर्मल वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं। तो इस तरह आप उसको अपने स्पेस में फंसा कर किसी भी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसको अपनी जगह पर फिक्स कर दें। जैसे मैं कर रहा हूँ अभी राइट वाली रबड़ को फिक्स अपनी पल्सर 220 में। ये देखिए ये इसमें फिक्स हो गई है इस तरह। और रबड़ आपको अपने ऑथोराइज सर्विस सेंटर में मिल जाएगी, काफ़ी कम रेट की रहती हैं दोनों रबड़। मैं सिर्फ 10 रुपये की लेकर आया हूँ अपने ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही। और राइट वाली फ़िक्स कर दी है, अब लेफ़्ट वाली अपनी पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के लिए रबड़ को अपनी कैविटी में रखेंगे, उसका जो पर्टिकुलर स्पेस रहता है उस जगह पर फंसा कर उसको किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से पूरा जो रिंग रहता है उसके अंदर उसको फिक्स कर देंगे। और जो सॉकेट उसके अंदर लगता है उसको वापस लगा देंगे, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की मैकेनिकल वीडियो की डिमांड है तो आप कमेंट कर सकते, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप उसको लेकर कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी लेफ्ट वाली रबड़ भी फिक्स कर दी है, अब इसका जो सॉकेट है उसको अपनी पोजीशन पे लगा देंगे। दोनों रबर को अपनी पोजीशन पे लगाने के बाद सारे जो पार्ट जिसके निकाले हुए थे इसको अपनी पोजीशन पे लगा देंगे। ब्रेक लाइट का सॉकेट अपनी पोजीशन पे लगा देंगे, और आगे वाले जो दोनों नट थे उनको अपनी पोजीशन पे लगा देंगे, और 10 नंबर पाने से टाइट कर देंगे। पीछे लगेगा 12 नंबर पाना, तो 12 नंबर पाने से इसको भी टाइट कर देंगे। सीट को लगा देंगे, साइड पैनल को लगा देंगे, और मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि पहले से कितना वाइब्रेशन रिड्यूस हो गया है। अब आप देख सकते हैं जब मैंने बाइक को स्टार्ट किया तो बाइक में झटके लगे, लेकिन मडगार्ड अलग से बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं हुआ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।